चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की गाइड स्टडी में। मैं कमल बिष्ट इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर हमारे जीएस के क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों, जो हमारे जनरल साइंस के क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। काफ़ी हद तक जो हमारे वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, जो हमारे यहाँ पर बड़े कंपटीशनों में या छोटे कंपटीशनों में पूछे गए हैं, उनके हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। और इनमें हमारे हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, जो भी हमने क्वेश्चन लिए हैं इनके जो ऑप्शन हैं उनको भी हम समझेंगे। अर्थात एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है और इनके चार ऑप्शन होते हैं, तो उन ऑप्शनों को भी हम यहाँ पर देखेंगे और उन पर रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे यहाँ पर जीएस का यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अब देखिए, हम यहाँ पर डिटेल में इनको पढ़ेंगे ताकि इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए नेक्स्ट यहाँ पर एग्जाम में आप उनको कर पाएँ। इसके लिए आपको कोई भी क्वेश्चन डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। केवल यदि आप यूँ पढ़ेंगे कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, आपने सीधे ऑप्शन लगा दिया वोल्ट है या ओम है या एम्पियर है या कूलाम है, तो इससे आपको कोई भी चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं होगी या फिर आप एक आध महीने में भूल जाएंगे। यदि आपको याद रखना है परमानेंटली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा हमारा प्रतिरोध क्या होता है, उसके बाद आपको समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं ये हमारी क्या हैं, तभी आप यहाँ पर आंसर पता कर पाएंगे। क्योंकि आंसर को बताने के लिए या तो आपको एग्जैक्ट आंसर का पता होना आवश्यक होता है, या फिर आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा वोल्ट का क्या मतलब हुआ, ओम का क्या मतलब हुआ, एम्पियर का क्या मतलब हुआ, कूलाम का क्या मतलब हुआ। यदि आपको तीन चीज़ें भी आती हैं तो चौथी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी, हमारी ये होगी। तो इसलिए आपको क्या ध्यान देना है, कभी भी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पूरा थ्योरेटिकली समझना आवश्यक है। यदि आप यूँ ही खाली एमसीक्यू को देख करके याद करेंगे तो एक आध महीने भूल जाएंगे, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आपको हमेशा याद रखने के लिए या लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको क्या करना है, इनको थ्योरेटिकली समझना है और प्रत्येक वर्ड जो हमारे आते हैं उनका मीनिंग क्लियर होना आवश्यक है। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है प्रतिरोध का मात्रक क्या है। सबसे पहले आपको समझना है प्रतिरोध क्या होता है। हमारा प्रतिरोध हमारा होता है रेजिस्टेंस, हम इसको आर से प्रेजेंट करते हैं। देखिए, प्रतिरोध हमारा जो अवरोध उत्पन्न करता है रास्ते में, उसे हम प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहाँ पर प्रतिरोध हमारा कौन से रास्ते में आता है, देखिए, एक हमारी एक सर्किट होती है, कोई भी एक परिपथ होता है विद्युत का हमारे यहाँ पे, तो ये सर्किट हो गई मान लीजिए कोई भी ए बी। अब यहाँ पर कोई धारा बह रही है आई, तो इसके जो रास्ते में जो भी रुकावट आएगी, धारा को जाने में एक रुकावट आती है, एक अवरोध आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस बोलते हैं आर, जो धारा को आगे बढ़ने से क्या करता है, रोकता है। जैसे हम हवा में चलते हैं, तो हवा में चलने पर हम आगे को बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हवा हमें क्या करती है, पीछे को धक्का लगाती है, हम आगे को चलते हैं, तो ये हवा क्या हो गई हमारे लिए, एक प्रतिरोध हो गई, रेजिस्टेंस हो गई। तो वैसे ही यहाँ पे भी है, जब एक परिपथ में धारा आगे को बढ़ती है तो प्रतिरोध यहाँ पर रोकता है इसे, तो ये प्रतिरोध हमारा क्या यहाँ पर इसको रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, इसलिए क्या हुआ, प्रतिरोध हुआ। तो प्रतिरोध का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे मात्रक क्या होता है। मात्रक अर्थात जिसमें हम प्रतिरोध को मापते हैं, मेजरमेंट करते हैं, वो हमारा मात्रक हो गया। तो प्रतिरोध का मात्रक हमारा ओम होता है, ये होता है हमारा प्रतिरोध का मात्रक ओम। देखिए, एक हमारा रिलेशन दिया था ओम ने हमारे यहाँ पर, ओम जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर ओम को बताया, यहाँ पर प्रतिरोध को बताया था। देखिए, हमारा एक रिलेशन होता है, जो हमारी धारा बहती है दोनों यहाँ पे किसी परिपथ में, उन दोनों के परिपथ के दोनों सिरों के बीच उठने वाला विभवांतर जो होता है, विभवांतर हमारा यहाँ पे वी हो गया, विभवांतर जो होता है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, जो धारा बह रही है उसमें उसके अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात वी बराबर आई आर। तो ये हमारा आर क्या था, एक कॉन्स्टेंट था, एक नियतांक था, और यही हमारा क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ये हमारा क्या होता है, प्रतिरोध। तो ये धारा के परिपथ में उत्पन्न होता है, अर्थात हम R बराबर क्या कह सकते हैं, R बराबर V बट्टे I। तो ये हमारा यहाँ पर प्रतिरोध का रिलेशन होता है। कभी पूछ लिया जाता है थ्योरेटिकली, यहाँ पर न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए, यदि किसी परिपथ के दोनों सिरों के बीच विभवांतर यहाँ पर इतना वोल्ट है और धारा इतनी एम्पियर बह रही है, तो बताइए यहाँ पर प्रतिरोध कितना होगा। तो वहाँ पर आपको बताना है कितना प्रतिरोध होगा। अब देखिए, प्रतिरोध का मात्रक हमारे यहाँ पर ओम होता है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए, ओम को
दिखाने का एक हमारा सिंबॉलिक फॉर्म भी होता है, हम यों दिखाते हैं ओम को। कभी कभार हो सकता है आपको वहाँ पर ऑप्शन में इस तरीके से बना के दे दिया गया हो, तो ये हमारा ओम का सिंबल होता है। और एम्पियर जो होता है हमारा, एम्पियर धारा का मात्रक होता है, याद रखना आपको, आई अर्थात धारा का, करंट का। और कूलाम हमारा आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, प्रतिरोध का मात्रक ओम हो गया, और विभवांतर का मात्रक, विभव कहें विभवांतर कहें, विभव का मात्रक हमारा होता है वोल्ट। तो देखिए, आपने एक क्वेश्चन देखा, लेकिन एक ही क्वेश्चन में आपने इतनी सारी चीज़ें क्लियर कर ली। अब आपको इस तरह से कोई भी इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यदि एग्जाम में आता है तो आप इजीली उनको कर पाएंगे और इनको आप कभी नहीं भूलेंगे। यदि आपको पता है वोल्ट का क्या मतलब है, एम्पियर का क्या मतलब, कूलाम का क्या मतलब है, ये आपको पता नहीं भी है तब भी आप बता देंगे कि हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी वाला ही सही होगा। तो ये चीज़ आपको देखनी है। और ये हमारे यहाँ पर प्रतिरोध था, और ये हमारा ओम का नियम है, क्योंकि कभी पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम क्या है, तो ओम का नियम वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, या वी बराबर आई आर जब हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, और ये हमारे सारे यहीं से निकलते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है। देखिए, पहले आपको देखना है कि प्रोटॉन हमारा क्या है, और फिर बताना है आपको आवेश क्या होता है उस पर। आवेश मतलब हमारा चार्ज हो गया, कि हमारा किस तरह का चार्ज होता है। चार्ज देखिए हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं मेनली, या धनात्मक होता है या फिर ऋणात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, या फिर आप तीसरा कह सकते हैं तो न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, दो तीन केस होते हैं हमारे। लेकिन देखिए, यहाँ पर हमारे यहाँ पर प्रोटॉन जो होता है, एक परमाणु के अंदर हमारा एक प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है ये आपको पता होना चाहिए। वो हमारा होता है धनात्मक, एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन में हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक आवेश होता है। और देखिए, इसको रिप्रेजेंट कभी हम यों भी करते हैं, ई प्लस करके प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई माइनस करके, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर ऋणात्मक चार्ज होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है इसमें, और प्रोटॉन में यहाँ पर धनात्मक चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव कर दिया। और हमारा जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन हमारा उदासीन होता है, उदासीन मतलब ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो ये हमारा न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन पर ना आप प्लस लगाएंगे ना ही माइनस, तो ये हमारा क्या है, उदासीन है, उदासीन है, अर्थात इसे हम यहाँ पर चार्ज से अट्रैक्टिव या फिर रिपल्टिव नहीं कर सकते हैं, या हम आकर्षण या प्रतिकर्षण नहीं कर सकते यहाँ पर। तो ये हमारे यहाँ पर उदासीन फॉर्म में होता है, न्यूट्रल फॉर्म में होता है, न्यूट्रल है इसलिए हमारा क्या है, ये न्यूट्रॉन कहलाता है। देखिए, और देखिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में हमारा आवेश बराबर होता है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, बराबर और दोनों के एकदम अपोजिट होता है। अब देखिए, हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए, अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो काफ़ी बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। अब देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात आती है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश का मात्रक देखिए, आवेश का जो मात्रक होता है वो हमने ऊपर भी देखा था, वो हमारा होता है कूलाम, कूलाम होता है, शी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, यहाँ पर पीछे से यहाँ पर मात्रक लगे हैं, शी शी यहाँ पर जो भी है, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे इनके मात्रक हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक चार्ज होता है, और वो हमारा होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है ये, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चार्ज की आवश्यकता न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी पड़ती है, कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, यदि हमारे चार इलेक्ट्रॉन हैं तो बताइए उनके द्वारा टोटल चार्ज कितना होगा, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए, तभी आप चारों का निकाल पाएंगे, 4 × 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, तभी आप चारों का निकाल पाएंगे। तो इसलिए आपको याद होना आवश्यक है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। और वैसे हमारा प्रोटॉन पे, प्रोटॉन हमारा ये पॉजिटिव, इस पे हमारा होता है देखिए प्लस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर क्या होता है, चार्ज बराबर होता है, लेकिन क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है,
एकदम विपरीत होता है, लेकिन चार्ज बराबर होता है। यहाँ भी 1.6 × 10⁻¹⁹ और यहाँ भी वही, केवल धन और ऋण का अंतर होता है। और जो हमारा न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये हमारा यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे जीरो कूलाम भी बोल सकते हैं आप, या आप यहाँ पे उदासीन बोल सकते हैं। उदासीन अर्थात यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये हमारे यहाँ पे इनमें चार्ज का डिस्कशन हुआ। अब देखिए, हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे एक परमाणु की। न्यूट्रॉन परमाणु के कौन से भाग में उपस्थित होता है? देखिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में एक एटम को समझेंगे यहाँ पे, और एटम में कौन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं उनको भी देखेंगे, ताकि आपको और पॉइंट भी क्लियर हो जाए, यहाँ पर मैक्सिमम पॉइंट क्लियर हो जाए। देखिए, न्यूट्रॉन परमाणु के कौन से भाग पर उपस्थित होता है? सबसे पहले आपको एक एटम का पता होना चाहिए। एक एटम हमारा एक परमाणु, ये हमारा एक एटम हो गया। अब देखिए, एक एटम में हमारा एक न्यूक्लियस होता है, एक नाभिक होता है। न्यूक्लियर था नाभिक, और नाभिक हमारा देखिए धनात्मक होता है, इसलिए इसको हम यूं भी दिखा देते हैं, धनात्मक होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है परमाणु में, नाभिक में, और चारों ओर हमारा इसके नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से हमारा होता है ये बाहरी बाहर। देखिए, चारों ओर हमारे कक्षाएं होती हैं, इनके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। यहाँ पे इनको हम यहाँ पे शैलें बोलते हैं, चारों ओर नाभिक के। तो ये होता है, और ये बीच में हमारा देखिए मैक्सिमम पार्ट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्पेस होता है, खाली होता है, और ये हमारी क्लासें होती हैं कुछ, यहाँ पर निश्चित क्लासें होती हैं, और ये हमारा एक नाभिक हो गया यहाँ पे। देखिए, अब देखिए हमें बताना है न्यूट्रॉन परमाणु के कौन से भाग पर स्थित होता है। ये हमारा धनात्मक है। अभी हमने देखा कि धनात्मक चार्ज किस में होता है, धनात्मक चार्ज हमारा प्रोटॉन में होता है। तो एक यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे नाभिक में क्या होगा, एक तो हमारा क्या होगा, प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन होता है, क्योंकि हमारा धनात्मक चार्ज प्रोटॉन में होता है और यहाँ भी धनात्मक है। तो एक प्रोटॉन हो गया, एक हमारा होता है नाभिक में न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर नाभिक में होते हैं। अब देखिए, न्यूट्रॉन यहाँ पर होता है, लेकिन इसका चार्ज, चार्ज से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। यदि आप कहें हमारे यहाँ पे 6 धनात्मक है, और कोई यहाँ पर आपने 0 और जोड़ दिया, तो तब भी आपकी क्या होगी, 6 धनात्मक ही रहेगी। अर्थात 0 के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ज तब भी क्या होगा, आपका धनात्मक ही होगा। तो वैसे ही यहाँ पर नाभिक में भी है, नाभिक में हमारा चार्ज धनात्मक होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन के होने से यहाँ पर इसका चार्ज यहाँ पर बदल नहीं जाएगा, तब भी धनात्मक ही रहेगा। तो ये हमारा धनात्मक होता है, और चारों ओर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते हैं यहाँ पर चारों ओर, तो चारों इनमें क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है, इसलिए चारों ओर यहाँ पर क्लासों में घूमते हैं ये। और इन क्लासों में यहाँ पर निश्चित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी भी एक लिमिट होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया नाभिक में, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही हो गया। तो इस तरह क्वेश्चनों को आप, यदि आपसे पूछा गया कि न्यूट्रॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है, तो आप इजीली बता देंगे हमारे यहाँ पर होते हैं, और इनमें कौन से चार्ज होते हैं ये आप क्लियर बता देंगे अब। तो ये हमने कुछ यहाँ पर जीएस के क्वेश्चन देखे दोस्तों, जिनको हमने यहाँ पर डिटेल में देखने की कोशिश की, ताकि इनसे रिलेटेड आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँ। अब हम यहाँ पर इस तरह से नेक्स्ट वीडियोज़ में यहाँ पर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक्स।